Rockstar. Anything you can tell us about GTA 6? Sure. I mean, Rockstar said that. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे GTA 6 के कुछ लीक्स के बारे में। ऐसे कि आपको पता है रॉकस्टार गेम्स ऑफिशियली कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता अपने गेम्स के बारे में, तो बस लीक्स ही एक उम्मीद रहती है हम लोगों की क्या गेम्स के बारे में, गेम्स में क्या चल रहा है या क्या नहीं। तो कुछ लीक्स हैं जो GTA 6 से रिलेटेड निकाली हैं लोगों ने, जो फैंस लोग होते हैं काफ़ी एक्साइटिंग होते हैं। तो पहली लीक्स हमारी है, इसमें कुछ ऑफिशियल मतलब डाटा शेयर करा है किसी ने, बताया गया है तो कट सीन्स हैं अगली गेम्स में आने वाले वो काफ़ी इम्प्रूव कर दिए गए हैं, मतलब उसके कट सीन्स में और मतलब गेम प्ले में मतलब आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कट सीन्स इतनी बारीकी से आपको मतलब दिखाए जाएंगे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब कट सीन्स निकल गए और कब मतलब गेम का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया, कुछ इस प्रकार के कट सीन्स डेवलप। दूसरी लीक्स में उसके कुछ कर्मचारियों की मतलब कर्मचारी की किसी ने मतलब डिटेल शेयर करी है, जिसमें उसमें बताया जा रहा है मतलब डायरेक्टली बताया गया है कि उसने किस गेम्स में काम किया है और आगे की फ्यूचर प्लानिंग में किस गेम्स में मतलब काम करने वाला है वो। तो दूसरी लीक आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो, नहीं सारांश में बता दे रहा हूँ। एक उसके एम्प्लॉय है उसके बारे में बताया गया है कि वो किस मतलब किस गेम्स में काम कर चुका है और किस में करने वाला है। तो उसमें आप देख सकते हो डायरेक्ट लिखा हुआ नीचे GTA ग्रैंड ऑटो थेफ्ट 6। तो मतलब ये है कि हमारा जो गेम GTA 6 है वो डेवलपमेंट में है। और तो कुछ लीक्स के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि मतलब पहले जो रॉकस्टार गेम्स थे वो अपने एम्प्लॉयड को ओवरवर्क करने के लिए फोर्स करते थे, मतलब ज़्यादा काम ओवरनाइट या कुछ भी समझ सकते हो आप, तो उसे ताकि जल्दी से जल्दी अपना गेम तैयार हो और मतलब हमारे पास आ जाए। लेकिन अब ऐसा करना बंद मतलब रॉकस्टार ने काम करना बंद कर दिया फोर्सफुली अपने एम्प्लॉयमेंट को काम कराना, वो अब नॉर्मली मतलब जैसे काम होता है वैसे ही करते हैं, ना फोर्स नहीं करते। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि हमारा गेम जो है वो डिले हो रहा है ताकि और अच्छे से मतलब बने और हमारे पास आए। काफ़ी सारी वजह हैं जो गेम्स को लेट होने की। अब तो वो रॉकस्टार वाले ही जाने कि क्या वजह हैं, लेकिन हाँ कुछ ये लीक्स निकल कर आ रही हैं, इनसे इतना तो कंफर्म है कि जो हमारा गेम अभी डेवलपमेंट में है और जल्द से जल्द आ सकता है। तो जो क्लिप आपने स्टार्टिंग में देखी थी आप उस क्लिप के बारे में, उस क्लिप को दिखाने के लिए जा रहा हूँ मैं, तो आप देखो उसके बारे में और सब नहीं समझ में आए तो बाद में बताऊँगा। I'm a fan of the series, avid gamer in general. I feel obligated to ask this. Is there anything you can tell us about GTA 6? Sure. I mean, Rockstar said that there's another iteration of the series coming, so stay tuned. ये basically एक interview के clip है जिसमें एक YouTuber है और ये Rockstar Games का CEO हैं या senior खासे CEO ही हैं, उनके बीच में जो बात हुई थी। तो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने आपने सुना होगा डायरेक्ट GTA 6 के बारे में बात किया था, ना कि कोई और मतलब GTA की न्यू एंट्रीज या फिर कोई और अलग प्रोजेक्ट। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि जो वर्क चल रहा है रॉकस्टार गेम्स का वो GTA 6 पर चल रहा है। और कुछ और भी लीक्स हैं जो हमारे हाथ लगी हैं जिससे हमें पता चलता है कि मतलब GTA 6 कब रिलीज़ हो सकता है, तो उसके ऊपर नज़र मार कर देखते हैं। तो इस क्लिप में हम देख सकते हैं इसमें कुछ फाइनेंशियल हैं और रॉकस्टार गेम्स के, तो आप देख सकते हो जैसे इसमें 2024 में जो उसका फाइनेंशियल है वो 2022 और 23 से मतलब अप्रॉक्सीमेटली डबल हो चुका है। इसका मतलब अगर यहाँ पे फाइनेंशियल उनका प्लान डबल करने का है तो सीधी सी बात है उन्हें अपना कोई कंटेंट या फिर कोई गेम लॉन्च करना होगा। तो मतलब अब जो अगला जो सीरीज है GTA मतलब रॉकस्टार गेम का जो प्लान है वो GTA 6 है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो गेम है वो अप्रॉक्सीमेटली 2024 तक आ सकता है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और GTA 5 से और गेमिंग से रिलेटेड अपडेट्स पा सकें। तो हमारा कुछ नया चैनल है यार, तब आप लोग करवा सकते हो कुछ ना कुछ, तो प्लीज़ यार अपना थोड़ा
हेल्प करना भाई की। तो हाँ यार, बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।